इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अगले बिहार के महान व्यक्ति के बारे में, तथागत अवतार तुलसी, जिनका जन्म पटना में हुआ। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वर्ड बोलूँगा आप शायद सरप्राइज फील करोगे दोस्तों। तो इनसे जुड़े एक बहुत ही रोचक बात यह है, इन्होंने 9 साल के अंदर ही स्कूल की सारी शिक्षा प्राप्त कर ली और 10वें साल में ये BSc की शिक्षा कम्प्लीट कर ली और 12वें साल में दोस्तों इन्होंने MSc कम्प्लीट कर ली। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है सब के लिए। इवन जब मैंने ये चीज़ को पढ़ा तो मैं भी काफ़ी सरप्राइज हुआ और होप कि आप लोग भी काफ़ी सरप्राइज हो रहे होंगे और ये रियल है। और शायद इसीलिए भी इन्हें चाइल्ड प्रोडिजी कहा जाता है। चाइल्ड प्रोडिजी यानी कि वैसे बच्चे जो कम उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और जिनका नॉलेज जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वैसा नॉलेज तथागत अवतार तुलसी का था और जिससे हर कोई बहुत सरप्राइज फील करता है। तो 12 साल की उम्र में जब इन्होंने MSc कंप्लीट कर ली तो ये फिर 22 साल की उम्र में दोस्तों PhD कंप्लीट कर करके IIT बेंगलोर से इन्होंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर उन्होंने सारे बच्चों को सर्व किया। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो एज ए ह्यूमन था। और जब ये बातें इंडिया के बाहर गई, अलग अलग विदेश शहरों में गई, तो इन्हें द मोस्ट गिफ्टेड एशियन चाइल्ड के नाम से जाना जाने लगा। टाइम्स मैगजीन में इन्हें ये छापा, इसके अलावा कई सारे पेपर में इनके बारे में बहुत कुछ छापा गया। सुपर टीन इन्हें कहा गया कि ये एक सुपर टीन है, जो कि बहुत बड़ा भारत के लिए एक अनमोल रत्न के जैसे हैं क्योंकि उन्होंने कम उम्र में इतना कुछ प्राप्त कर लिया था। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनसे रिलेटेड। करेंटली दोस्तों इनकी एज 32 ईयर है और ये इंडियन फिजिस्ट हैं, IIT बॉम्बे के अंदर ये काम कर रहे हैं दोस्तों। और ये इनका एम बस ये है जो भी बच्चे हैं उनको एक अच्छा शिक्षा देना, और साथ में ही इनसे रिलेटेड बस यही बात होगी कि ये एक चाइल्ड प्रोडिजी के नाम से जानते हैं। डिस्कवरी में एक रियलिटी शो दोस्तों जो कि 2007 में एयर हुआ था, कोंकणा सेन शर्मा के द्वारा होस्टेड, ये शो में इन्हें इन्वाइट किया गया था जिस होस्ट का नाम था इंडिया जीनियसेस, और इसके अंदर ये आए थे और इन्होंने अपने बारे में एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि वो कैसे इतने कम उम्र में कैसे अचीव किए और उनका माइंड क्यों है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो कई सारे चीज़ों के बारे में बात की और ये बेसिकली चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में फेमस है। ऐसे कई सारे लेजेंड्स हैं जिसे बिहार ने प्रोड्यूस किया, जैसे मैं वशिष्ठ नारायण सिंह जिसे विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, उसके साथ ही दोस्तों शालिनी कुमारी जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, सरद सागर जो कि एक एजुकेशन के अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो कई सारे ऐसे लीजेंड्स हैं जो प्रोड्यूस किए हैं बिहार ने, इसके बारे में हम लोग और भी वीडियोस में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है। पर ये सारे के अचीवमेंट कुछ इस तरह से जो काफ़ी हमें इंस्पायर करते हैं और अल्टीमेटली हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं कि हमें किस तरह से किन सारे चीज़ों को देखते हुए भर में भी क्या इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रगल कुछ अलग था। वो गरीब फैमिली से बिलोंग रहते हुए भर में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यही नोट पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी इस चैनल पे कई सारे वीडियोस आने वाले इससे रिलेटेड जो कि काफ़ी हमें इंस्पायर करेगी और काफ़ी कुछ हमें सिखाएंगी। इसी के साथ एंड करता हूँ दोस्तों, चलो।